हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। कई तरीके की एलईडी लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए। जीआर एलईडी लाइट्स, मेक इंडिया ब्राइट। आज मैं वो अमोद प्रयोग करने जा रहा हूँ जिसके प्रयोग मैंने आज दिन तक इसलिए नहीं किया कि किसी आपातकाल में ही उसका प्रयोग करना उचित होगा। अब वो समय आ गया है। आज मैं कुलदेवी निकुम्बला के गुप्त मंदिर पर जाकर वो तांत्रिक यज्ञ करूंगा जिससे कि मुझे वो देवी रथ प्राप्त होगा जो कि अजय है। आप विश्वास रखिए पिताश्री, आज का सूर्य उन दोनों भाइयों के मृत्यु के पश्चात अस्त होगा। ये काल में भी कुछ काम कर नहीं निकला, एक वानर को भी नहीं रोक सका। अगर रोक लेता तो अभी तक दूसरा भाई भी छोटे के दुख में पागल होकर मर जाता। परंतु आप चिंता न कीजिए पिताश्री, आज मैं वो अमोद प्रयोग करने जा रहा हूँ जिसके प्रयोग मैंने आज दिन तक इसलिए नहीं किया कि किसी आपातकाल में ही उसका प्रयोग करना उचित होगा। अब वो समय आ गया है। आज मैं कुलदेवी निकुम्बला के गुप्त मंदिर पर जाकर वो तांत्रिक यज्ञ करूंगा जिससे कि मुझे वो देवी रथ प्राप्त होगा जो कि अजय है। परंतु आप ये सूचना गुप्त रखिए, यहां तक कि रणवास की ऋषियों को भी पता न चले, जिससे कि मेरा यज्ञ संपूर्ण होने तक किसी को भी यह सूचना न मिले कि मैं कहां हूं। आप राक्षसी सेना के साथ महाभट योद्धाओं को युद्ध में भेज दीजिए जिससे कि वानर सेना के साथ दोनों भाई भी उसमें उलझ जाएं और उन्हें भी पता न चल पाए। मेघनाद, तुम्हारी योजना बहुत अच्छी है, परंतु युद्ध का समय है, शत्रु हमारी धरती पर है, इसलिए अपनी सुरक्षा के लिए तुम्हें थोड़ी सेना साथ रखनी चाहिए बेटे। आप चिंता न करें पिताश्री, मेरे विश्वास पात्र योद्धाओं का एक दल मंदिर की रक्षा करेगा। मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अपने महल में गए बिना सीधा वहां जाता हूं। आज दोपहर तक मेरा यज्ञ संपूर्ण होगा, फिर होम से प्राप्त उस दिव्य रथ में बैठकर मैं सीधा युद्ध भूमि में जाऊंगा। आप विश्वास रखिए पिताश्री, आज का सूर्य उन दोनों भाइयों के मृत्यु के पश्चात अस्त होगा। जाओ बस, विजयी होकर लौटो, विजयी हो। विजय का आशीर्वाद दो। Come on, come on, come on, come on.